नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी हाथों में वृत्त चिन्ह का फल और प्रभाव। वृत्त को सूर्य या कंदुक भी कहते हैं। यह हथेली पर छोटे छोटे गोल घेरे के रूप में पाया जाता है। वृत्त का प्रभाव हथेली पर उसके स्थान के आधार पर आंका जाता है। पहला, अगर आपकी हथेली में वृत्त का निशान हो तो आपको नदी नालों, पोखर, तालाब, समुद्र आदि से दूरी बनाकर रखना चाहिए। दूसरा, अनुकूल स्थानों पर स्थित वृत्त जातक के लिए महाफलदायी होता है, वही प्रतिकूल स्थानों पर स्थित वृत्त व्यक्ति को नकारात्मक परिणाम देता है। तीसरा, पर्वतों के समान ही रेखाओं पर भी वृत्त के चिन्ह मिलते हैं, पर इनका प्रभाव नकारात्मक होता है। हाथों में वृत्त चिन्ह। पहला, जीवन रेखा में। जीवन रेखा पर बना हुआ वृत्त का चिन्ह जातक की आंखें कमजोर, अंधापन, आंख की बीमारी होने की तरफ संकेत करता है। दूसरा, मस्तिष्क रेखा में। मस्तिष्क रेखा पर बना वृत्त मानसिक रोगों को जन्म देता है। अंधत्व या नेत्र ज्योति का कष्ट होने की संभावना होती है। तीसरा, हृदय रेखा में। हृदय रेखा पर उपस्थित वृत्त व्यक्ति के हृदय रोगी होने की संभावना होती है। चौथा, स्वास्थ्य रेखा में। शिकार या वाहन चालन में खतरा की संभावना होती है। पांचवा, बृहस्पति क्षेत्र में। हथेली में गुरु पर्वत पर बना वृत्त का चिन्ह फलदायी एवं अत्यंत प्रभावशाली होते हैं और अपने प्रयत्नों से सहज ही उच्च पद प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ससुराल से भी विशेष धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति में पूर्व जन्म की स्मृति का प्रभाव रहता है। छठवां, शनि क्षेत्र में। शनि पर्वत पर वृत्त की उपस्थिति व्यक्ति के लिए आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनाती है। ऐसे व्यक्तियों की लॉटरी, जुए, सट्टे आदि में विशेष रुचि होती है और इनके माध्यम से धन प्राप्ति के विशेष योग बनते हैं। हृदय की बीमारी का डर रहता है। सातवां, सूर्य क्षेत्र में। यदि सूर्य पर्वत पर वृत्त का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति उच्च एवं सात्विक विचारों वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाता है। आठवां, बुध क्षेत्र में। बुध पर्वत पर वृत्त का होना व्यापार की दृष्टि से लाभकारी होता है। ऐसे चिन्ह वाले जातक व्यापार में सफलता अर्जित करते हैं और विलासिता पूर्ण जीवन जीते हैं, परंतु जल एवं जहर से खतरा रहता है। नौवां, मंगल क्षेत्र में। आंख में चोट की संभावना होती है। दसवां, चंद्र क्षेत्र में। चंद्र पर्वत पर वृत्त की उपस्थिति से व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर रहता है। ऐसे व्यक्तियों को जलीय स्रोतों से दूर रहना चाहिए। इन स्थानों पर ऐसे लोगों के लिए मृत्यु योग बनता है। ग्यारहवां, शुक्र क्षेत्र में। कमजोर स्वास्थ्य की संभावना होती है। बारवां, तर्जनी के प्रथम पर्व में बौद्धिक योग्यता तर्क वितर्क करने की दक्षता दर्शाता है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।